हेलो एवरीवन सो वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास और जितने भी मेरे क्लास नाइन्थ के सीबीएसई के बच्चे हैं वो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर जाएं देखो भाई तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई है टर्म टू की तैयारी हम लोगों ने कर दी है शुरू तो जल्दी से क्लास में आ जाओ ठीक है मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एक बार आप लोगों को तो बच्चे मेरा नाम है निकिता My नेम इज निका एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर सो आई be बी टीचिंग यू इंग्लिश एंड be बी प्रिपेयरिंग फॉर टर्म exam एग्जाम ठीक है हम लोग हमारा जो टर्म two का एग्जाम है भाई उसके लिए साथ में तैयारी करने वाले हैं इंग्लिश में आपको पढ़ाने वाली हूँ ठीक है तो ठीक है बेटा अब आपकी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि देखो आप लोग जानते हो कि आपके पास ना दो बुक्स दी गई हैं एक बुक का नाम है बीहाइव है ना एक किताब का जो आपका नाम है एक बुक का नाम है बीहाइव एंड सेकेंड वन इज मोमेंट्स तो दोनों बुक्स कवर करेंगे दोनों बुक्स को पढ़ेंगे टर्म वन हो चुका है उसके बारे में अभी छोड़ देते हैं ध्यान देते हैं हम लोग टर्म टू पर सो so, टर्म टू का सिलेबस सभी को पता है ठीक है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे सो मैंने आज पहले सोचा है इस चैप्टर का इस बुक का पर्टिकुलरली ठीक है इस बुक का चैप्टर उठा लेते हैं तो अपन आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मोमेंट्स का जो ये बुक है ये बुक से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और कौन सा चैप्टर सो so, सबसे पहला चैप्टर जो है वो है वेदरिंग द स्टॉम इन अर्समा रिटन बाय हर्ष मंदिर भाई ये हमारे राइटर हैं और बच्चे आप जानते हो कि यार देखो एग्जाम में ना राइटर के नाम रख, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप लोगों को राइटर का नाम नहीं याद ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कि विद इन द इन अरसम जो आपका चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है किसने लिखा था हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर ठीक है सो यार यहाँ पर बिना बात के ना मुफ्त का वो जो वन मार्क है वो चला जाता है ठीक है और वो हमें नहीं जाने देना है भाई पूरे तरीके से तैयारी कर रहे हैं हमें फुल मार्क्स चाहिए पूरा पूरा नंबर चाहिए एक भी नंबर नहीं जाने देंगे हाथ से सो आपको याद होना चाहिए बेटा हर्ष मंदिर ने ये जो है पूरा चैप्टर लिखा है अब चैप्टर मैं बताऊं तो काफी इंटरेस्टिंग है पर सबसे खास बात इस चैप्टर की ये है कि ये चैप्टर एक असली कहानी के ऊपर बेस्ड है रियल लाइफ स्टोरी है ये मन गड़क कहानी नहीं है किसी की कि कोई अपने बैठ करके कुछ सोच रहा था और अपने दिमाग की कोई उपज से कोई कल्पना से कोई इमेजिनेशन से कहानी बना करके डाल दी है ये एक्चुअल में हुआ है ये सच्ची घटनाओं पे आधारित रियल लाइफ स्टोरी है सो so, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ के बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत कुछ जानने को मिलेगा हल्का फुल्का सा इसमें आ, थ्रिलर टाइप की मूवी नहीं होती है कि भाई बहुत कुछ हो रहा है बहुत सारी चीजें चल रही हैं और लास्ट में आपको पता चलेगा इसमें सस्पेंस बिल्ड हो रहा है ठीक है लास्ट में आपको जाकर के जो है ना पूरी स्टोरी में खुलासा किया जाएगा एक चीज का अब वो चीज क्या है उस पर मूव ऑन करने से पहले अपन बात कर लेते हैं टाइटल के बारे में कि ये जो नाम रखा गया है इस पूरे चैप्टर का क्या ये सही है विदर इन द स्टॉम का मतलब क्या होता है कोई बच्चा जानता है यहाँ पर जल्दी से विदरिंग द विदर का मतलब क्या होता है एंड दैट टू इन ठीक है एरसाम जो है एक जगह का नाम है और ये जगह कहाँ है बेटा ये जगह है ओडिसा में सो so, ओडिशा जो जगह है उसके अंदर ना एक छोटा सा uh, आप कह सकते छोटा सा शहर एक छोटा सा गांव है जो कि कोस्ट uh, के पास में है ठीक है जो कि कहां है तट के पास में है भाई समुद्र से जुड़ा हुआ है ये गांव सो कोस्टल टाउन है ये ओडिसा के अंदर छोटा सा कोस्टल टाउन है ये ओडिशा के अंदर जिसका नाम है एरसमा ठीक है अब यहां पर बोल रहे हैं कि इन एरसमा यानी कि इस जगह के अंदर क्या हुआ है विदरिंग द स्टॉम विदरिंग द स्टोम का, मतलब का मतलब होता है विदरिंग का मतलब होता है बेटा बच निकलना तूफान से बच निकलना स्टॉम का मतलब होता है तूफान ये दिख रहा है तुम्हें इतना बवंडर यहां पे चल रहा है भाई देखने में ना देखने में इतना ज्यादा डरावना लगता है कि तूफान में रहने की जो फीलिंग है भगवान ना करे कभी हम लोग को फील करना पड़े बट एक बच्चे ने वो एक्सपीरियंस किया उसने वो अनुभव किया कि तूफान में अगर तूफान आ जाता है हमारे आसपास तो क्या कुछ देखना पड़ता है होता क्या है भाई नहीं गारंटी होती कि जिंदा बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे पर यहां पर नाम से ही हमें समझ मारा कि विदरिंग द स्टॉम इन एयर समा यानी कि तूफान से सही सुरक्षित बच करके निकलना एयर समा में हुआ था किसके साथ हुआ था वही है आज की हमारी पूरी कहानी क्या हुआ कैसे हुआ क्या क्या भाई वो समय क्या था जब इतना भयंकर तूफान आया था उड़ीसा में वो पूरी कहानी आज आपको सुनाई जाएगी आज हम लोग उस कहानी के बारे में पढ़ेंगे सो so, शुरू करते हैं बेटा आज का हमारा ये चैप्टर ठीक है बच्चे सो so, देखो अब ना शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने भी देखा होगा तो आपको बुक के अंदर ना एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें बात की गई है ठीक है इसमें आपको चैप्टर का दिया जा रहा है कि इंट्रोडक्शन बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि चैप्टर के अंदर हमें देखने को क्या मिल सकता है सो so, यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ है वो सबसे मेन चीज के बारे में अपन बात कर लेते हैं और वो सबसे मेन चीज है यहाँ पर कि द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 अब बेटा ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना क्योंकि बच्चे एग्जाम में आ जाता है देखो यही छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो हम लोग ना सोचते हैं कि अरे कहानी चल रही है चलते रहने दो तो हम किरदारों पे और बाकी चीजों पे ध्यान रखते हैं नहीं टाइमिंग वगैरह कि कहाँ हुआ क्या हुआ वो सब हमें पता होना चाहिए सो ये जो पूरी कहानी बेस्ड है ना वो किस टाइम पे बेस्ड है अक्टूबर का महीना था 1999 जो है साल चल रहा था 1999 उस समय में अक्टूबर के महीने में बहुत भयंकर तूफान आया था इतना भयंकर तूफान आया था सैकड़ों लोगों ने अपनी जान खो दी इतने सारे गांव बर्बाद हो गए लोगों ने अपने नजदीकी लोगों को खो दिया है ना पीपल एक्चुअली लॉस वंस सो इट वॉज वेरी डिवास्टेटिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक तूफान आया था उसी तूफान की एक कहानी है जिसके अंदर जैसे कि मैंने बताया जिसके अंदर हजारों लोगों की जान गई थी और बेटा कितने सारे ना जाने गांव जो थे लोगों के घर जो थे वो बर्बाद हो गए थे बहुत ही बहुत ही भयंकर एक तूफान आया था उसी तूफान की ये कहानी है अब यहां पर बोल रहे हैं कि प्रशांत एक छोटा सा बच्चा है जिसके बारे में ठीक है छोटा बच्चा कह लो एक यंग मैन कह लो एक नौजवान इंसान इन, है ठीक so, है सो नौजवान इंसान है प्रशांत और उस प्रशांत की ये कहानी है कि उस बेचारे इंसान ने कैसे जूझा कैसे कैसे ही हाउ ही सर्वाइव्ड द स्टॉर्म उसने वो पूरा तूफान कैसे वो बच करके वेदरिंग द स्टॉम लिखा हुआ है ना यानी कि वो उस तूफान में से कैसे बचा उस तूफान में से कैसे बच करके निकला सो so यहाँ पर आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा कि दो दिन तक तो ना हमें यहीं पे बता रहे हैं बेटा कि दो दिन तक तो प्रशांत जो है अपने घर की छत पर अकेला फंसा हुआ था अटका हुआ था ना इधर जाने का ना उधर जाने का हर तरफ बाढ़ आ रखी है हर तरफ बहुत ही गंदा भयंकर तूफान आ रखा है मतलब अगर बचने की जगह है तो जहां पर हो वहां पर टिके रहो बाहर निकलने की कोशिश मत करो इधर उधर जाने की कोशिश मत करो आप मारे जा सकते हो सो so, वो जो प्रशांत है वो क्या था फॉर टू ड्रेडफुल नाइट भयंकर भयानक और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक और आप कह सकते हो डेंजरस नाइट्स जो थी ना है ना उस दो रातों तक प्रशांत फंसा रहा था अपने घर की छत पर और तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि भाई अब मुझे जाना पड़ेगा गांव में और जाकर के अपने परिवार को ढूंढना पड़ेगा तो मतलब सोचो कि सबसे बड़ा जो हमारा डर होता है ना मतलब लाइफ में कि अगर हमें हमारी फैमिली से दूर हो गए हम तो क्या करेंगे आपको नहीं लगता कभी दिमाग में नहीं आता कि यार कल को अगर क्या हुआ कल को अगर जैसे छोटा सा बच्चा होता है मेले में जाता है मम्मी पापा के साथ अगर उसका हल्का सा भी हाथ छूट जाए ना मम्मी पापा से और वो गुम हो जाए तो हालत खराब हो जाती है

और स्टेबिलिटी देते हैं अब यहाँ पर अगर एक इंसान आप सोच रहे हो कि ये रियल लाइफ कहानी है एक इंसान जो है इतने भयंकर तूफान में फंस गया था पता भी नहीं है कि उसके जो फैमिली है वो जिंदा है नहीं है कहाँ है उनको जाकर के खोजना है वो इतना बड़ा टेंशन इतना बड़ा जो है सवाल दिमाग में रखते हुए और इतने भयंकर तूफान के बीच में फंसा रहा दो रातों को अपने घर की छत पर और तीसरे दिन उसने सोचा कि अब मुझे निकलना है गांव में जाना है और अपने माँ बाप को ढूंढना है अपनी फैमिली को मुझे खोज कर निकालना है ठीक है चलिए सो so, अब हम इसके चैप्टर को पूरा जो है पूरे चैप्टर को अब हम पढ़ लेते हैं देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या बात की गई है क्या इसमें कहानी है होता क्या है क्या वो खोज करके निकाल पाता है अपनी फैमिली को ठीक है अपने अपने परिवार वालों को वो खोज पाता है या नहीं खोज पाता है सो so, कहानी जो है वो कुछ इस प्रकार से शुरू होती है बेटा आप देख रहे हो ये देख रहे हो ये लाइटनिंग ये, बिजली कड़क रही है देख ही कितना ज्यादा डर लग जाता है मतलब एक बार जोर से ऐसे बिजली कड़क जाए तो डर जाते हैं डर जाते हो तुम लोग, मैं तो डर जाती हूँ तुम लोग भी अगर मेरी इधर ही हो डर जाते तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे से बात करते रहना बताते रहना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहता है छोटे ही सही बट तूफान बहुत जोरों की बारिश तो हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है ठीक है और तुम्हारा क्या मानना है इस चीजों को लेकर के तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है छोटे तूफान बड़े तूफानों को लेकर के वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहना ठीक है so, सो अपन की जो ये कहानी है वेदरिंग द इन एरसामा ये किस तरीके से शुरू होती है कि बता रहे हैं कि एक शाम की बात है एक बहुत ही जो है ना आसमान एकदम से रुख बदल चुका था ठीक है एक शाम की बात है अचानक से अच्छा खिलखिलाता हुआ अच्छा सा प्यारा सा दिन जो है वो पलट चुका था जो आसमान है वो काले बादलों से घिर चुका था और बहुत ही गंदा और डरावना तूफान का जो है ऐसे लग रहा था आगमन होने वाला है द, द, व, 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 वेरी आप कह सकते हो मेनेसिंग स्टोम है ना क्विकली गैदर्ड एक बहुत ही खतरनाक सा जो तूफान है वो एकदम से क्या हो गया था आसमान में पता चल गया था बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है क्या हुआ कि जोरों से हवाएं चलने लग गई इतनी जोरों से हवा चल रही थी कि पता चल जाता है एक नॉर्मल हवा होती है ना वो हल्की हल्की सी ब्रीज जो हमें लग रही होती है वो अलग ही होती है और जब हवा बहुत ही ज्यादा स्पीड ले लेती है बहुत ही ज्यादा जोरों से उसमें इतना प्रेशर होता है वो अलग ही पता चल जाती है कि यार अब तूफान आने वाला है काले बादल छा चुके हैं और हर तरफ अंधेरा सा हो चुका है ना और जो हवा है हवा का रुख बदल चुका है ठीक है अब क्या हुआ प्रशांत की बात कर रहे हैं कि प्रशांत ने तो कभी भी ऐसा अपनी जिंदगी में माहौल देखा ही नहीं था कभी नहीं देखा था अचानक से मतलब देखा है बारिश हो जाती है थोड़ा बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, दो दो दिन तीन तीन दिन तक लगातार बारिश होती रहती है वो तो सबने देखा है लेकिन यार इस तरीके का मतलब वो जो माहौल हो रहा था ना उस दिन वो ऐसा था कि प्रशांत ने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था कि भाई अचानक से जो है काले बादल छा चुके हैं घोर अंधेरा हो चुका है बादल इतने ज्यादा गरज रहे हैं है ना और बाहर का मौसम भी बहुत ज्यादा बदल चुका है हवाएं जो हैं वो इतनी ज्यादा क्या हो चुकी हैं इतनी वायलेंट हो चुकी हैं इतनी जोर से हवा चल रही है ठीक है प्रेशर इतना ज्यादा है और लगातार और बहुत ही भारी वर्षा हो रही है बहुत ही हैवी रेन हो रही है इन यानी कि लगातार बारिश हुए जा रही है हुए जा रही है हुए जा रही है ठीक है और हर कुछ जो है आसपास अंधेरा ही अंधेरे में जा चुका है साथ ही साथ जो पेड़ हैं डर तो इंसान को तब लगना चालू हुआ जब उसने देखा कि आसपास के इतनी जोर से हवा चल रही थी आप इमेजिन करो बच्चे कि जो पेड़ थे ना वो पेड़ क्या कर रहे थे वो पेड़ जमीन से उखड़ के नीचे गिर गए थे मतलब इतनी हवा का जो आ, स्पीड थी हवा का जो प्रेशर था वो इतना ज्यादा था कि जमीन से जड़े जो होती हैं पेड़ की कितनी ज्यादा स्ट्रोंग पकड़ के रखती है जमीन को वो पेड़ के पेड़ पूरे आकर के जमीन पे ऐसे गिर गए थे जैसे कि मानो कुछ है ही नहीं उनके अंदर जान ही नहीं है वो तो बस यू ही रखे हुए थे जमीन पर इतनी तेजी से हवा चल रही थी ठीक है सो ये कुछ इस तरीके का ना वहां पर सीन वहां पर माहौल क्रिएट हो चुका था तूफान का प्रशांत ने भी ऐसा कभी नहीं देखा था अपनी जिंदगी में अब आगे क्या हुआ कि लोगों की ना हवाओं में लोगों की चीखें आने लग गई बहुत जरूरी हर तरफ आप जब जहां सुनोगे आपको लोगों के डर की खौफ की चीखें सुनाई दे रही थी क्योंकि भाई हवा इतनी जोर से चल रही थी जब पूरा का पूरा पेड़ उखड़ करके जमीन पर गिर गया तो कहीं ना कहीं ना उन हवाओं ने लोगों के घरों को हिला करके रख दिया था मतलब जो लोग झुग्गी झोपड़ी में एक गांव है ज्यादा बड़ा कोई शहर नहीं है एक गांव है लेकिन वहां पर क्या है वहां पे जो झुग्गी झोपड़ियां है ना वो भी इस तरीके से हिल गई थी वो भी लोगों की घरों को प्रेशर इतना ज्यादा था हवा का कि लोगों के घर डगमगाने लग गए थे पेड़ पेड़ तो पेड़ पूरे उड़ उड़ के गिर रहे थे पूरे जमीन से उखड़ करके गिर रहे थे लोगों के घर हिलने लग गए थे तो लोग खौफ में आ गए थे एवरीबडी वॉज स्केरटिल डेथ वो इतने ज्यादा डर गए थे कि वो पूरी हवाओं में लोगों के चीखने की आवाजें गूंज रही थी ठीक है द एंग्री वॉटर्स स्वर्लड इन टू हिज फ्रेंड हाउस नेकडीप अब ये वॉटर कहां से आ रहा है तो हमने देखा ना कि लगातार बहुत जोरों से heavy rain हो रही और लगातार बारिश हो रही थी तो वो जो पानी था ना वो पानी भी इतनी जोरों से बरस रहा था तो उसको एंग्री वॉटर कहा जा रहा है बेटा वो इतनी जोरों से बरस रहा था कि वो धीरे धीरे लोगों के घर में जाने लग गया और यहां पर प्रशांत के जो दोस्त था ना उसके दोस्त के घर में पानी धीरे धीरे भरने लग गया और वो गर्दन तक भर चुका था यहां तक भर चुका था यानी कि बाढ़ आ रही थी एक तरीके से ठीक है द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटर एंड वॉज स्ट्रॉन्ग टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंस ऑफ़ थ्री फिफ्टी किलोमीटर पर आर अब वो बोल रहे हैं कि जो वो बिल्डिंग थी वो कहीं ना कहीं इतनी मजबूत थी क्योंकि वो ईटों की सीमेंट की है ना चूने की वो मिट्टी कुछ इस तरीके से वो ईंट पत्थर की मिट्टी वो जो पूरी दीवार थी जो पूरी बिल्डिंग थी वो ठोस चीजों से बनी थी आप इतना समझ लीजिए ठीक है कि वो ऐसा नहीं कि भूसे से लकड़ियों से बनी हुई थी वो सीमेंट से बनी हुई ब्रिक से ईंटों से बनी हुई पूरी बिल्डिंग थी तो वो झेल गई वो हवाओं का जो इतना जोर का प्रेशर था भाई थ्री किलोमीटर पर आवर यानी कि तीन किलोमीटर प्रति घंटा तो ये बेटा यहां पर याद रखना कि हवाओं की वेलोसिटी क्या थी विंड्स वेलोसिटी क्या थी 350 किलोमीटर पर आ सो so इतनी जोरों से जो हवा चल रही थी ना उसका जो प्रेशर था कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग झेल के ले गई क्योंकि वो बिल्डिंग थोड़ी सही थी थोड़ी मजबूत बिल्डिंग थी ईंटों की बनी हुई थी सीमेंट की बनी हुई थी लेकिन फिर भी भाई पानी वानी आने लग गया था उसके अंदर और यहां गर्दन तक पानी भरने लग गया था तो इस तरीके का कुछ डरावना माहौल बन चुका था अब हम आपका एक बार छोटा सा नॉलेज टेस्ट ले लेते हैं ठीक है मैंने इतनी सारी चीजें बता दी हैं मतलब कि माहौल देख रहे हो माहौल ना काफी खतरनाक सा हो चुका है डेंजरस सा कि तूफान का अब पता चल गया कि तूफान आने वाला है अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली प्रशांत भी समझ चुका था इस टाइम तक और कहीं ना कहीं हर एक इंसान समझ चुका था एवरीबडी अंडरस्टूड कि यहां पर कुछ गलत होने वाला है भाई हमारे घर इस तरीके से हिल रहे हैं लोगों का तूफान रुक ही नहीं रही है बारिश बारिश हुए जा रही है हुए जा रही है हुए जा रही है इतने भयंकर तरीके से बरसात हो रही है और लगातार बरसात हो रही है हवाएं नहीं रुक रही है मतलब लोग डर जाते हैं ऐसे में जाहिर सी बात है आप बाहर देख रहे हो आपको बाहर केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो कि हे भगवान हम कहां फंस गए बस हमें सही सलामत रखना और लोग डर चुके थे और इतने गंदे तरीके से डर चुके थे कि जाहिर सी बात है उनके मन में खौफ था और वो चिल्ला रहे थे डर के मारे So, इस तरीके का कुछ माहौल हो चुका था और प्रशांत भी कहा था प्रशांत अपने घर पर था तो उसके जो दोस्तों के घर थे ना जो उसका दोस्त का घर था उस घर के अंदर भी पानी भरने लग गया था ठीक है उस घर के अंदर भी यहाँ गर्दन तक पानी भरने लग गया था तो, तो ये कुछ अपन ने पढ़ लिया है इतना अब तुम्हारा ना छोटा सा एक नॉलेज टेस्ट ले लेते हैं ठीक है और देख लेते हैं कि अभी आप लोगों को कितना समझ में आया है अच्छे से सो गाइस तैयार रहना क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर के आई हूं जो तूफान था वो कब आया था so, अभी हमने पढ़ा है और ये क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में भी आ सकता है इसको याद रखिएगा विंड्स वेलोसिटी को याद रखिएगा कि हवा जो चल रही थी वो कितनी तेजी से चल रही थी सो so, अभी मैंने बताया देखते हैं कौन बच्चा जो है सबसे पहले आंसर करेगा और सही आंसर करेगा जल्दी से आंसर करो तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है कब हिट किया था भाई साइक्लोन साइक्लोन ने में कब आया था अब पढ़ा ना हम लोगों ने कब आया था नाइनटीन में आया था ठीक है कब कौन सा साल 1999 अच्छा बोनस पॉइंट्स उस बच्चे को मिलेंगे जो महीना बता देगा कि कौन सा मंथ था वो सो मंथ कौन बताएगा भाई जल्दी से बताओ अभी अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग जो पहली लाइन थी हमारी इस चैप्टर की वो पहली लाइन ही ये थी जिसमें हमें पता चल रहा था कि स्टॉर्म जो है वो किस मंथ में आया था एंड स्पेशली किस ईयर में आया था सो बोनस पॉइंट्स जाते हैं कुकी पॉइंट्स मिलेंगे मेरी तरफ से उस बच्चे को जिसने मंथ बता दिया कौन सा महीना था बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार वो तो मेरा बर्थडे मंथ था अक्टूबर अक्टूबर तो इज माय बर्थडे मंथ तो याद रखना जैसे भी याद रखो गांधी जी के जन्मदिन से याद रखो कि अपने बर्थडे से याद रखो जैसे भी याद रखो याद रखना कि अक्टूबर का महीना था वो बेटा एंड 1999 जो है वो साल था उस साल में हुआ था ठीक है ओरिसा को बहुत ही भयंकर तूफान ने घेर लिया था सो वेरी वेल डन बहुत ही बढ़िया अगर तुम लोगों ने करेक्ट आंसर दिया sure, sure कि तुम लोगों ने करेक्ट आंसर किया ठीक है चलो अब आगे की कहानी देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ अब भाई देखो डर का माहौल तो आ चुका था लोग डर चुके थे कि तूफान आ रहा है और कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग थी जो थोड़ा बहुत ना तूफान का आप कह सकते हो आ, जो हम कह सकते हैं कि क्या था तूफान का जो इतना ज़्यादा कहर था ना झेल गई थी वो बिल्डिंग कौन सी थी जो ब्रिक से बनी हुई थी की पक्के पक्की बिल्डिंग थी ना झेल से, 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 से so, तो गई थी वो सारा का सारा जो था कहर तूफान का बट आगे क्या हुआ कि बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विध क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स देखो वो बिल्डिंग जो है ना वो बिल्डिंग तो बच्चे झेल गई क्या झेल गई वो बिल्डिंग तो कहीं ना कहीं जो मतलब इतना ज्यादा असर होना चाहिए था लोगों के ना घर हिलने लग गए थे ये खबर भी आई थी उस टाइम पर आप लोग तो उस टाइम पर थे नहीं ठीक है लेकिन उस टाइम पर ना 1999 में खबर भी आई थी कि इतना भयंकर तूफान आया था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए जिसमें हजारों लोगों को लो, लोगों की मौत हुई थी गांव जो है बर्बाद हो गए थे फैमिलीज बर्बाद हो गई इतना तो भयंकर जो हुआ था उस समय पर तूफान सो वहां पर ना लोगों की क्या हुई थी लोगों के घर पूरे के पूरे तबाह हो गए थे भाई लोगों का घर के नामो निशान नहीं बचा था सो वहां पे वो बिल्डिंग जो थी जो ईटों की पत्थर की और सीमेंट की बनी थी वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा उस पर नुकसान नहीं हुआ पर पर हमारे प्रशांत का जो फ्रेंड है उस वैसी बिल्डिंग में रहता था अब इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ पानी तो भरने लग गया गर्दन तक पर प्रॉब्लम कब हुई प्रॉब्लम हुई जब रात को अचानक से बीच रात को एक पेड़ जो है उनके घर पर आकर के गिर गया उनके घर के ऊपर ही गिर गया मतलब इतनी जोरों से बारिश हुई थी इतनी जोर से हवाएं चल रही थी कि पेड़ उखड़ उखड़ के गिर रहे थे तो एक पेड़ उनके घर के ही ऊपर आकर के ऐसे धपाक से गिर गया तब जाकर के पूरी की पूरी रात में और रात के बीच में ये हुआ सो पूरा जो परिवार था ना वो और दहशत में वो और क्या हो गया टेरराइज हो गया भाई उसको ऑर्डर लगने लग गया कि ये क्या हो रहा है कहीं कुछ और ना हो जाए कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए कहीं हम इसकी चपेट में ना आ जाए कहीं हम लोग ही फंस ना जाए सो पूरा डर का माहौल बन चुका था अब आगे क्या हुआ बच्चे कि प्रशांत के बारे में बोल रहे हैं कि प्रशांत तो कभी नहीं भूलने वाला ये जो जो रात थी ना वो और जो भयंकर रात थी वो रात मतलब पता है तूफानी रात ना एक ऐसी रात होती है कि हर कोई इंसान ना प्रे कर रहा होता है कि भगवान बस ये रात कट जाए हम सब सही सलामत रहें हमारे अपनों का कुछ हमारे अपनों के साथ कुछ गलत ना हो हमारे साथ गलत ना हो लोगों के साथ किसी के साथ गलत ना हो बस ये रात कट जाए और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि वही रात जो है ना लाइफ की सबसे लंबी रात लगती है कि टाइम जा ही नहीं रहा है जब बुरा समय आता है ना तो ऐसा लगता है कि यार ये जल्दी कट जाए पर वो टाइम ऐसा लगता है कि घड़ी कहीं रुक सी गई है और टाइम कट ही नहीं रहे जा ही नहीं रहे और की लाइफ में वो ऐसा टाइम था बच्चे कि कि क्या हुआ था कि वो ना ये एक्सपीरियंस कभी भी नहीं भूल सकता और फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन वॉट बाय द सुपर साइक्लॉन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग अब क्या हुआ अब वो बोल रहे कि पहली झलक जो उसने देखी ना कि क्या तबाही मचाई है इस सुपर साइक्लॉन नाम था कि इस इतने बड़े तूफान ने क्या तबाही मचाई है उसकी पहली झलक तब मिली थी जब उन्होंने ना सुबह देखा उन्होंने सुबह देखा और सुबह का जो वह नजारा था भगवान ना करे कभी किसी को देखना पड़े बट इट वॉज स्केरी वेरी स्केरी बहुत डरावना नजारा था वहां पे क्या हुआ था रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वॉटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज आई कुड सी एक बहुत ही भयंकर हर तरफ जितनी दूर तक आपकी नजरें देख सकती हैं वहां तक केवल सिर्फ आपको ब्राउन कलर का पानी ही पानी दिखाई दे रहा था यानी कि वो जो बरसात हुई थी ना और वो जो पूरा दिन था वो जो रात थी वो जो चलते रहा वो जो पूरा तूफान इतने दिनों तक चलता रहा चलता रहा दो दिन तक बारिश होती रही भयंकर बारिश होती रही प्रशांत अपने दोस्त के घर की छत पे फंसा रहा तो जो अगले दिन की जो उन्होंने सुबह देखी ना वो लाइट हल्का हल्का ग्रे सा था और जो पहली झलक थी कि आप जितना दूर तक देखोगे आपको केवल पानी भरा हुआ है हर जगह पे वो ब्राउन कलर का मिट्टी वाला पानी तबाही तबाही वाला पानी वो जो है है ना तो वही आपको हर तरफ नजर आ रहा है वो पानी जहां तक आप देखोगे आपकी नजरों नजरे जहां तक जाएंगी केवल वो पानी भरा हुआ है हर एक चीज के ऊपर क्या है पानी भर चुका है ओनली फ्रैक्चर स्टिल स्टूड इन प्लेस वो कह रहे हैं कि कुछ ही घर बचे थे और केवल वो सीमेंट के घर बचे थे और उनमें भी बहुत सी तबाही हुई थी बस क्या है कि वो थोड़े बहुत बच गए क्योंकि वो पूरे उखड़ करके ऐसा नहीं है कि कहीं जा गिरे हों जो आ, कच्चे मकान थे वो तो पूरे तबाह हो चुके थे उन मकानों में लोगों की जो हालत हुई थी लोग जिंदा नहीं बचे थे लोग मर गए थे कुछ ही घर बचे थे जो नजर आ रहे थे कहीं दूर खड़े हुए जो सीमेंट के बने हुए थे उनमें उनको भी बहुत ही ज्यादा वहां पे भी उन उन घरों में भी बहुत ही ज्यादा वो टूटे फूटे बचे थे ज्यादा पूरे तो बचे भी नहीं थे मतलब ऐसा भी नहीं है कि उन मकानों को कुछ नहीं हुआ उन मकानों की भी हालत खराब हो गई बस इतना कह सकते हो कि ज्यादा उनपे असर नहीं हुआ क्योंकि पक्के मकान थे सीमेंट के थे तो ज्यादा जो है उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा उतना ज्यादा नहीं हुआ उस तूफान का असर उन मकानों पर बट वो भी टूट फूट चुके थे बहुत बुरी तरीके से अब क्या हुआ कि ब्लू अब अब जो हम ये पढ़ेंगे ना ये तो और भी ज्यादा मतलब डिप्रेसिंग है वो वो बोल रहे कि 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 आप आपकी जब नजर जा, जाती ना मतलब सोचो प्रशांत जो था था ये सब देख रहा था कि वहां पर जहां तक नजरें जा, रही थी पानी के ऊपर लोगों की लाश बह रही है जानवरों की लाशें बह रही हैं ब्लोटेड एनिमल कैर एंड ह्यूमन कॉप्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन हर दिशा में कॉप्स मतलब की लाशें ठीक है और कहते हैं कि जानवरों की इंसानों की आप कहीं पर भी देखो आपको हर दिशा में लाशें ही लाशें तैरती नजर आएंगी इधर लाश तैर रही है उधर लाश तैर रही है मतलब लोगों की इतनी मौतें हुई थी जाहिर सी बात है हमने शुरुआत में पढ़ा हजारों लोगों की मौतें हुई थी हजारों मतलब सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए थे जानवरों की मौतें हुई थी सो हर दिशा में आपको लोगों की डेड बॉडीज तैरती हुई पानी पे नजर आ रही थी तो वो इतना गंदा और इतना भयानक नजारा था कि कोई इंसान जाहिर सी बात है अगर ऐसा नजारा कोई देखेगा तो फिर तो वो नहीं कभी नहीं भूलेगा अपनी जिंदगी में है ना ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज थे तो सोचो कितना भयंकर तूफान रहो टू हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन द स्काई बिकॉज दर कोकोनट्स ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड अब यहां पर वो बोल रहे हैं कि जो हमारा प्रशांत था ना प्रशांत का जो फ्रेंड था उसके घर के ऊपर भी क्या हो गया था उसके घर के ऊपर के भी ऊपर उप, जो पेड़ गिरा था ना वो दो पेड़ गिर गए थे और वो पूरे पूरे नारियल के पेड़ गिर गए थे उनके ऊपर ठीक है अब यहाँ पर ना वो जो दुर्घटना हुई या वो जो घटना मैं दुर्घटना नहीं बोलूंगी मैं घटना बोलूंगी मैं बोलूंगी जो हादसा उनके साथ हुआ जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ कि भाई अचानक से दो पेड़ जो है उनके घर पर आकर के गिर गए और नारियल के पेड़ घर पर आकर के गिर गए तो तब तो ना इंसान को क्या लगा होगा इंसान को लगा होगा हे hey भगवान ये क्या हो रहा है बस हमारे साथ हमें बचा लेना ये रात जैसे है 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 ये जो समय ना तूफान का ये बस जैसे तैसे कट जाए बस हमें बचा लेना सबसे पहले इंसान भगवान को याद करता है पर अब वहां पे समझना इसको बोल रहे हैं कि ये जो सीन हुआ ना ये जो इनके साथ हुआ कि घटना हुई इंसिडेंट हुआ कि इनके घर के ऊपर कोकोनट ट्री आकर के गिर गए इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है एज अ ब्लेसिंग इन द अब बच्चे ब्लेसिंग ऐसा आप कह सकते हो कहावत या मुहावरा है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं जो शुरुआत में हमें लग रही थी कि बहुत ही खराब हुआ लेकिन अंत में पता चला कि अच्छा ही हुआ जैसे कि नहीं समझ में आया दोबारा बताती हूं जैसे कि इनके साथ हुआ शुरुआत में जब पेड़ आकर के गिरा तो लग रहा था हे hey भगवान क्या होने वाला है हम मर जाएंगे हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे तो तब उन्हें लगा था कि ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो गया ये तो बहुत बुरा हो गया दो पेड़ हमारे घर पे आकर के गिर गए हम मर जाते ये हो जाता वो हो जाता देवर थिंकिंग कि जो उनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन बाद में पता चला कि जो हुआ अच्छा ही हुआ ये क्या था ये बहरूपी, एक, एक, एक क्या था ये दूसरे रूप में असल में एक कृपा ही थी जो भगवान ने हम पर कर दी डिस्गाइज हम बोलते हैं छुपी हुई ठीक है छुपी हुई सो so, बोल रहे हैं कि ये इसके पीछे ना ये हुआ एक बुरी चीज के पीछे छुपी हुई एक अच्छी ही चीज थी जो बाद में निकल करके आई सो जब हुई ना एक चीज क्या हुआ ब्लेसिंग इन दोबारा से बता दू बेटा ऐसी चीज को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस मुहावरे का जब हम बोलना चाहते हैं कि कोई चीज जो शुरुआती में बहुत ही बुरी दिखती है बाद में पता चलता है कि ये तो अच्छा था अच्छा ही हुआ कि ये हुआ सो यहां पर जब पेड़ गिरा तो तब तो वो बहुत ही बुरा हुआ था उनके लिए लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि नहीं यार जो हुआ अच्छा हुआ क्योंकि उस पेड़ के गिरने से वो जो तूफान का समय था कम से कम उसमें उनको खाना खाने को नारियल और पीने को नारियल का पानी मिलता रहा तो वो जिंदा बचे रहे वरना उस तूफान में जिस तूफान में वो फंसे थे उनका जिंदा बचना तो नामुमकिन था इट वाज इंपॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव दैट स्टॉर्म सिंपल है ना उनके लिए मुश्किल था कि वो जिंदा ही नहीं बच पाते भाई इतना गंदा तूफान आया था सो so, वहां पर आप समझ रहे बच्चे कि क्या हुआ तो वो बाद में उन्हें समझ में आया कि अच्छा हुआ ये हुआ वरना तो ये जिस हिसाब से तूफान चल रहा था हम तो मर जाते क्योंकि हमारे पास ना खाना बचता ना पानी बचता हम सच में मर जाते लेकिन वो नारियल जो था ना उस नारियल के चक्कर में जो है वो पूरा का पूरा परिवार जो फंसा हुआ था वो जिंदा रहा कहीं ना कहीं वो है ना उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ क्योंकि उन्हें नारियल जो है नारियल से पानी और खाना दोनों ही मिलता so, है तो अभी आप लोग जो है बहुत से बच्चे लाइव चैट में चैटिंग कर रहे होंगे आप लाइव चैट को हटाओगे नीचे छोटा सा कमेंट का सेक्शन आ रहा होगा उस कमेंट में ना मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना की आपको वीडियो कैसी लगी आपको समझ में आया है एक्सप्लेनेशन बढ़िया है कि नहीं है अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से कुछ और चेंजेस किए जाएं तो वहां पे सुझाव छोड़िएगा बट मुझे बताना और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप साथ के साथ बताते रहो और अगर मैं ऐसा डिस्कशन करना चाहते हो कि मैम ये हुआ मेरा मानना ऐसा है अपना कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हो अगर आप में से भी कोई बच्चा किसी ने ऐसा तूफान कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा मैं जानना चाहूंगी उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में ठीक है चलो सो आगे देख लेते हैं अब आगे वो बोल रहे हैं फॉर द नेक्स्ट टू डेज प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप वो बोल रहे हैं कि अगले दो दिनों के लिए ये जो तूफान आया था उसके अगले दो दिनों के लिए प्रशांत जो है वो अपने फ्रेंड के परिवार के साथ छत पर ऐसे बैठा रहा ठीक है वो छत पर फंसे रहे सो so, वो बोल रहे हैं कि अगले दो दिन जो थे उसमें कुछ नहीं वो बस फंसे रहे छत पर फंसे रहे और प्रशांत किन के साथ था प्रशांत अपने परिवार के साथ नहीं था बच्चे प्रशांत था अपने दोस्त और उसके परिवार के साथ तो वो बोल रहे हैं कि दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इन इनसेसेंट रेन जो बारिश हो रही थी वो रुकी नहीं रही थी वो इतनी ठंडी बारिश थी कि वो जम गए अब आप सोचो इंसान अगर हम लोग ना कहीं होता है ना स्कूल से अगर हम छोटी थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो जाए और हम हल्की से बारिश में पांच मिनट के लिए भीग जाए स्कूल से आते वक्त या स्कूल जाते जाते वक्त उतने में तो हम करने लग जाते, हमें चढ़ जाता है और ये लोग दो, तक, 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 दो दो दिन तक पूरे फंसे रहे वो लगातार बारिश होती रही ठंडा इतना ठंड से जम चुके थे वो लोग सो उनकी हालत खराब हो चुकी थी और क्या था द रेन वॉटर वॉश प्रशांस अब ये माहौल ऐसा था कि इंसान रो रहा था बेबस था लाचार था हेल्पलेस था so नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूं और ऊपर से अपने परिवार की परेशानी अपने परिवार की टेंशन अपने परिवार का डर अलग खा रहा था so प्रशांत का जो वो बारिश का पानी था ना उसमें प्रशांत के आंसू नहीं पता चल रहे थे बट वो बहुत ही ज्यादा क्या था बहुत ही ज्यादा परेशान था द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड माइंडर हिज फैमिली सरवाइव द फ्यूरी ऑफ द सुपरसाइक्लॉज अब यहां वो बोल रहे हैं कि केवल एक ही परेशानी थी उसके दिमाग में और उसको पूरे वक्त केवल एक ही थॉट उसके दिमाग में लगातार 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 कंटिन्यूसली आती रही कि भगवान बस मेरे परिवार ने मेरे परिवार बच गया हो जिंदा मेरे परिवार को कुछ ना हुआ हो बस मेरा परिवार जिंदा है कि नहीं मुझे जल्दी से जाकर के वो देखना है सो so, ये जो चल रहा था उसमें जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें ना कुछ भी होता है हम हमारे सबसे अपने अपने लोगों का मैं बोलूंगी हमें अपने लोगों का ख्याल सबसे पहले आता है और वही कुछ हो रहा था प्रशांत के साथ कि उसके दिमाग में लगातार अपने अपने परिवार वालों का ख्याल आ रहा था कि बस भगवान मेरे परिवार वालों को बचा लेना वो बस जिंदा बच गए हो उन्होंने झेल लिया हो इतने ज्यादा जो इतना बड़ा तूफान आया है इसकी मार को वो झेल गए हो उनको बस कुछ ना हुआ हो उसके दिमाग में बस यही चीजें चले जा रही थी और वो रोए जा रहा था हालांकि बारिश के पानी में उसके आंसू जो है वो धुल जा रहे थे पर वो दो दिन तक जो फंसा रहा ना अपने दोस्त के परिवार के साथ छत पर उसके दिमाग में बस यही चलता रहा केवल यही चलता रहा ठीक है अब 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 आगे देखते हैं, Was he to be bereaved once again? अब उसके दिमाग में आ रहा था कि क्या मैं दोबारा से अपनों का साथ मेरे को खो जाएगा क्या मेरे, मैं नहीं मिल पाऊंगा ऐसे में ऐसे होता है ना मतलब पता नहीं आ, आप लोगों ने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा लेकिन कुछ भी होता है ना तो हमारे मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आने लग जाते हैं वो हर एक इंसान के साथ होता है शायद आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी ना कभी ऐसे हम जब भी होता है हमारा दिमाग पता नहीं नेगेटिव ही जाता है कि क्या मेरे साथ गलत हो जाएगा क्या वो लोग नहीं बचेंगे क्या मैं दोबारा अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाऊंगा कहीं ऐसा हुआ मैं नहीं मिल पाया तो, तो हम ना बहुत परेशान होते हैं और उसके दिमाग में यही सवाल चल रहे थे कि क्या मुझे परिवार का प्यार नहीं मिल पाएगा क्या मैं अब अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाऊंगा सो so उसके दिमाग में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे टू डेज लेटर विच सीम्स टू प्रशांत लाइक टू ईयर्स रेन सीज एंड द रेन वॉटर स्लोली बिगैन टू रिस दो दिन बाद जो बारिश है वो धीरे 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 स्लो डाउन हो गई और बारिश का पानी हटने लग गया वो दो दिन जो थे ना वो दो सालों की तरह लग रहे थे प्रशांत को मतलब जाहिर सी बात है मैंने कहा ना कि जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम में ऐसे लगता है कि ये जो टाइम है ना हम चाह रहे होते हैं कि ये टाइम जल्दी कट जाए बट वो टाइम लगता है कि भाई समय ना रुक गया है जा ही नहीं रहा है खत्म ही नहीं हो रहा है

प्रशांत के दिमाग में सिर्फ एक चीज आई और उसने एक चीज़ ठान ली कि बस अब ये जल्दी से खत्म हो जाए मुझे जा करके अपने परिवार को ढूंढना है मुझे कुछ नहीं ढूंढना उसको सिर्फ एक ही चीज़ नजर आ रही थी उसका परिवार वो तूफान आया उसके दिमाग में उसका परिवार चल रहा था और जैसे ही वो तूफान थमने लगा उसको सिर्फ इतना था कि ये हटे ये थोड़ा सा ठीक हो और हल्का सा भी तूफान काबू में आए मैं जाऊं और मैं बाहर निकल जाऊं मैं गांव में जा करके अपने परिवार को खोज लूं और बस मुझे वो लोग मिल जाओ मैं अपने परिवार के पास जा सकूं सिर्फ उसके दिमाग में वही था केवल उसके दिमाग में वही था सो so, अब वो अपने परिवार से मिल पाता है नहीं मिल पाता है कैसे खोजता है क्या होता है वो जानने के लिए तो हमें आगे चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा बट आप देख रहे हो कि थोड़ा सा मतलब इट इज इट इज वेरी इमोशनल सा है फैमिली के बारे में है बट ये सच में किसी के साथ हुआ और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा जिन लोगों ने तूफान फेस किया है नेचुरल डिजास्टर्स ऐसे ही होते हैं है ना जो प्राकृतिक आपदा जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं किटोस्ट्रॉफ्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कैलॉमिटीज ऐसी होती है भाई कि अचानक से आती हैं एंड बहुत बड़ा नुकसान करके चली जाती है लोगों की जिंदगी सबसे बड़ा नुकसान मेरे मायनों में तो यही है सबसे बड़ा, बड़ा नुकसान जो है वो है लाइफ लॉस ऑफ लाइफ सबसे बड़ा नुकसान जो है इंसान की जिंदगी में इस पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा नुकसान है आपका भी मेरे हिसाब से बच्चे यही मानना होगा है ना कि पैसा आता है जाता है चीजें आती हैं जाती हैं सब कुछ चल जाएगा लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है लॉस ऑफ लाइफ जान का खो जाना वो होता है सबसे बड़ा नुकसान और ये चीजें ना हमें ऐसे में महसूस करवाती है कि हाँ भाई मतलब हमें क्या करने की जरूरत है हमें हमें अपने अपनों के साथ रहने की जरूरत है ऐसे ही कुछ प्रशांत के साथ हुआ सच्ची कहानी है ये ओडिसा में 1999 में जो तूफान आया था उसमें लोगों की क्या हालत हुई थी और उसमें उनमें लोगों की क्या हालत हुई थी हमें समझ में आ रहा है इस अकेले बच्चे इस अकेले लड़के प्रशांत की कहानी से कि प्रशांत के साथ जो हुआ वैसे बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा और अब प्रशांत अपने परिवार वालों से मिल पाता है नहीं मिल पाता है क्योंकि ये तो हमें पता चल गया है कि अब थोड़ा-थोड़ा सा बारिश बंद होने लग गई है पानी भी हट रहा है सो अब प्रशांत के तो दिमाग में एक ही चीज है कि भाई जाओ और जल्दी से अपने परिवार वालों को ढूंढ लूं और वो मुझे मिल जाए मैं उनके पास पहुंच जाऊं मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं वो तो हम लोग अगले वाली क्लास में जानेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे ठीक है सो अगले लेक्चर में जुड़ना ना भूलिएगा और जैसे कि मैंने बताया बच्चे कि अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस मुझे बताना चाहते हो तो जरूर बताओ जब मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगी लाइव सेशन में तब हम इस बारे में जरूर डिस्कस करेंगे आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगी आपके एक्सपीरियंस में बात करना चाहूंगी सो ठीक है अपने कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में नहीं मैं दोबारा बोल रही हूं बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने कभी ऐसा कुछ देखा है क्या आपको कभी ये डर लगा है है ना वो होता है ना कि जब भी हम फंस जाते हैं सबसे पहले मम्मी की आ जाती है सो so, इस बारे में इस टॉपिक के बारे में अपन को बहुत मजा आएगा इस बारे में डिस्कस करते हो तो बताइएगा मुझे जरूर और जब मैं आपसे अगली बारी मिलने आऊंगी तो इसको डिस्कस जरूर करेंगे तो मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा मेरे साथ हमारे पार्ट टू के लिए जहां पर आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे अगर क्लास अच्छी लगी हो समझ में आया हो तो इस क्लास को लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर और क्लिक कर देना ताकि मेरी क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ठीक है बेटा और साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी अगर आप क्लास में कुछ सुझाव देना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे दे दीजिएगा अपना फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है ठीक है वहां पे मुझे बताते रहिएगा अब मैं मिलूंगी आपसे अगली बारी तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू सो मच